वहीं सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस के हलफनामे पर सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू का बयान आया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में नीरज ने कहा है कि जो एफआईआर में दिया गया था बयान वही बिहार पुलिस की जांच में भी मिला है। बिहार पुलिस की जांच में एफआईआर सही साबित हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से न्याय की उम्मीद जगी है। हमारे साथ सुशांत के बड़े भाई नीरज कुमार बबलू हैं। सर, ये बताइए, जो आरोप बिहार सरकार ने लगाया है और जो आप लोगों ने एफआईआर किया था, लगभग सेम आरोप है? देखिए, बिहार सरकार आरोप नहीं लगाया था, आरोप तो परिवार की तरफ से लगाया गया था। एफआईआर में जो भी चीज़ दिया गया था, जो हम लोग पहले से बोल रहे थे, आज जांच में वो तमाम चीज़ें सत्य पाया गया है और उसी आधार पर बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया कि एफआईआर में जो चीज़ है वो तमाम तथ्य मिल रही है, सबूत मिला है और उसी पर हलफनामा दायर किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दोषी है वो गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, वो गिरफ्त में आएगा। मतलब बिहार पुलिस ने जो जांच की थी उसमें भी यह पाया गया है कि करोड़ों रुपए जो है वह सुशांत के अकाउंट से रिया और उनके परिवार ने निकाले। जी, एफआईआर में जो चीज़ दिया गया था वही चीज़ें बिहार पुलिस को सच्चाई प्राप्त हुआ है, सबूतें प्राप्त हुई है और उसी पर बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया। तब तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है और एफआईआर सही है, ये प्रूफ हो गया है। ये भी बिहार पुलिस ने ये इस बात का भी जिक्र किया है कि मानसिक रूप से परेशान किया जाता था रिया और उसके परिवार के तरफ से सुशांत को। देखिए, एफआईआर में जितना बिंदु दिया गया वो लगभग धीरे धीरे जांच से सारा कुछ सही पाया जा रहा है। तो एफआईआर में कोई ऐसा बिंदु नहीं है कि जो जांच में सही नहीं पाया जा रहा है। तो जो तमाम देश का डिमांड था सीबीआई, अब वो सीबीआई में भी सीबीआई जाँच भी शुरू हो गई है, सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर दिया है। तो अब हम लोगों को एक आशा और उम्मीद जगी है सही जाँच का और पूरा हम लोगों को भरोसा है कि अब सुशांत के जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं, ये पूरा भरोसा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।